नमस्कार दोस्तों, फैक्ट्री में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ विशाल बजाज। बात कर रहे हैं आम लोगों से, क्या विचार है उनके आज के समय में बाबा राम रहीम जी के बारे में, डेरा सच्चा सौदा के बारे में। नमस्कार सर, आपका नाम? संदीप इंसा। कहाँ के रहने वाले हो सर? पंजाब मोगा। तो क्या कहना चाहेंगे सर आप बाबा राम रहीम जी के बारे में? सर अपना जब से यही हुए हमारा तो विश्वास बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ था। जो अपने गवर्नमेंट में उन्होंने अपना बढ़ाया विश्वास, पर हमारा विश्वास नहीं टूटेगा। दिन से दिन बड़े प्रेमी बढ़ी है। इन्होंने बोला टूटेंगे प्रेमी, पर टूट नहीं रही जहाँ से। जब से आप बाबा जी से जुड़े हो आपकी ज़िंदगी में क्या बदलाव आए हैं? बहुत ही बदलाव आए हैं हमारे। कई अपना काम पूरे हुए हैं, जो हमने मन में नहीं सोचा था वो भी काम पूरे हुए हमारे। बाबा राम रहीम जी डेरा सच्चा सौदा के अंदर किस किस तरह के कार्य करवा रहे हैं? काम तो बहुत चल रहे हैं, सफाई में और कई चल रहे हैं। अपना जो कह रहे थे जहाँ मिलाएँ वो काम करता है। हमने तो मैंने 20 साल जुड़ा, मैं कोई काम नहीं ऐसा था। मैं अंदर गुफा में अंदर गया, बाबा जी से मिला भी, कोई ऐसा काम नहीं हो रहा गुफा में। बाबा जी का किस तरह का व्यवहार था? बहुत अच्छा व्यवहार था, सभी को अपने बच्चे मानते थे। डेरा सच्चा सौदा के अंदर महिलाओं की सुरक्षा के बारे में आप क्या बताओगे? सुरक्षा एकदम सच्ची है, सब कुछ सही हो रहा है, जहाँ कोई गलत काम नहीं हो रहा। जो आदमी कह रहे हैं हमारे साथ वो हुआ है वो हुआ है, हम साथ हमारे साथ बोलो। सत्संग में क्या शिक्षा मिलती थी बाबा राम रहीम जी के? सत्संग यही है, अपना सिमरन करो, प्रेम प्यार करो सब कुछ, और दिन प्रतिदिन अपना प्रेम प्यार बढ़ाओ। कोई गलत काम नहीं होता था, नशा बंद हो रहा था, बस यही है। हमारा गुरु जी हमारे सामने आ जाए, हम बेबस हो रहे हैं बस। जी सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।